and today in our tour of democracy we have reached at a very important juncture and that is uh, something which is considered as the spirit of democracy rather the bare minimum the bare essential of a democratic political system and what are we talking about we are talking about political parties so political parties as you can see i have written on the board what do they exactly mean Political parties are actually voluntary organizations. They are not simply groups, they are uh, organized groups and uh, they have uh, how are they formed? People with similar ideologies or at least people who, have, who hold the same political position, same uh, position with respect to how a political system should be come together and form a political party. ऑर्गेनाइज ग्रुप क्यों बोला मैंने जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज ग्रुप इसलिए क्योंकि ये बड़ा वेल प्लान ग्रुप होता है ये सिंपली ऐसा नहीं होता है कि एक लूज ग्रुप बन गया इट इज अ वेरी वेल प्लान ग्रुप एंड इट हैज अ पर्पस इट इज फॉर्मड विद अ वेरी डेडिकेटेड पर्पस एंड दैट पर्पस इज टू फील्ड कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन इलेक्शन टू बिकम द लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑन द बोर्ड A political पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम आइडियोलॉजी सेम political position. Now, सेम political position का मतलब है कि सेम अप्रोच towards पॉलिटिक्स जैसे कि कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए दैट इज सेम political position, ओके एंड हु फील्ड कैंडिडेट्स फील्ड करने का मतलब क्या होता है जैसे हिंदी में हम कहते हैं इलेक्शन में खड़ा करना दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड एज टू फील्ड कैंडिडेट्स इन एन टू गेट देम इलेक्टेड एंड देयर बाय इंप्लीमेंट देयर एजेंडा एजेंडा यानी वट एवर देयर प्लान आर वट एवर दे वॉन्ट टू डू इफ दे कम इन पार वट एवर थिंग्स दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू इफेक्ट टू रिफॉर्म द सोसाइटी दैट इज कॉल्ड एज देयर एजेंडा और अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कैंडिडेट्स को फील्ड करते हैं और इलेक्शन जीतने का प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं द गलाइन इन द ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टीज आर द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये डिफाइनिंग एलिमेंट क्यों बोला गया है इसको बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि ये बिल्कुल बेयर असेंशियल है एक डेमोक्रेसी का कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए कहने का मतलब कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं हो सकता अच्छा तुम सोचो कि कहीं पे भी इंडिया में चले जाओ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ आर ओन कंट्री तुम रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाओ विलेजेस हो या इवन टी स्टॉल्स इन योर ओन सिटी अपने अराउंड देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कशन हर कोई कर लेता है हर कोई अपने एरिया के उस फेस को जानता है उस कैंडिडेट को जानता है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है या जीता है और अपने प्रेफर्ड पार्टी या फेवरेट पार्टी के टॉप लीडरशिप को जानता है भले ही वो व्यक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सब के बारे में जानता हो या ना जानता हो बट पॉलिटिकल पार्टीज उनके लोकल लीडर्स उनके टॉप लीडर्स उनका मैनिफेस्टो उनका एजेंडा ये सब कुछ लगभग इंडिया का हर व्यक्ति जानता है तो इसी से पता चलता है कि कितना डीप रूटेड है पॉलिटिकल पार्टीज का जो नॉलेज है वो इंडिया में एंड हाउ एसेंशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री पर ऐसा क्यों है क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज को हम इतना एसेंशियल मान रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सिंपल है मतलब ये लॉजिक बड़ा ही ऑब्वियस है कि अगर पार्टीज नहीं होंगी तो इलेक्शन कौन लड़ेगा और अगर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा अगर मल्टीपल आइडियोलॉजीज को फ्री एंड फेयर इलेक्शन ग्राउंड नहीं मिलेगा कंटेस्ट करके गवर्नमेंट बनाने के लिए तो फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक कहाँ हुआ फिर वो कोई भी और सिस्टम होगा बट डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं होगा ओके नाउ लेट्स प्रोसीड अब आती है बात वाई डू वी नीड पोलिटिकल पार्टीज क्या ज़रूरत है पोलिटिकल पार्टीज़ की और ये पोलिटिकल पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से ये पॉलिटिकल पार्टीज ओरिजिनेट मतलब जैसे पहले तुम्हारे बुक में भी लिखा है कि पहले दुनिया में कुछ ही देश थे जिनके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती थी और आज दुनिया में कुछ ही देश हैं जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए ये बात कहां से आई आखिर क्या जरूरत पड़ी होगी या सोसाइटी के किन रीजंस की वजह से ये ओरिजिनेट किया ये कॉन्सेप्ट नो लेट्स हैव अ लुक पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं एक डेमोक्रेसी के दिस इज बिकॉज कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही हमें मल्टीपल आइडियोलॉजीज मल्टीपल लाइंस ऑफ थिंकिंग को हम फ्रीली कंटेस्ट करते देखते हैं अदरवाइज तो फिर एक ही व्यक्ति और एक ही आइडियोलॉजी का रूल होगा लेकिन जहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं जब अलग अलग ग्रुप्स अपने 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 एजेंडा को लेकर अपने प्लान्स को लेकर अपने पॉलिसीज अपने आइडियोलॉजीज को लेकर इलेक्शन लड़ते हैं और एक ओपन कंटेस्ट होता है बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड ऑन मेरिट से मेरा मतलब है बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट्स जिससे पब्लिक सबसे ज्यादा सपोर्ट करे बेस्ड ऑन दैट जब कोई व्यक्ति लीडर बनता है वही तो डेमोक्रेसी है और इसीलिए डेमोक्रेसी का जो सबसे विजिबल एस्पेक्ट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज नाउ सी हाउ डिड द पॉलिटिकल पार्टीज कम इन टू एग्जिस्टेंस अब अगला सवाल आता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई कहाँ से बट उसके पहले तुम्हारे बुक का ये पेज हम देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है डेफिनेशन आई हैव अंडरलाइन द डेफिनेशन यू कैन सी एंड दिस इज अ पेज फ्रॉम योर एन सी आर टी अ पोलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट they agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good now what is collective good collective good ka matlab hota hai jo sabke liye acha ho actually sabke liye kya acha hai ye idea ye vichar एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है. it it can vary rather it does vary from one person to another सबसे अच्छा क्या है सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा क्या है हमारे देश के लिए ये मेरा विचार कुछ और हो सकता है और तुम्हारा कुछ और हो सकता है तुम्हारे हिसाब से इंडिया का बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट हो सकता है और मेरे विचार से बिल्कुल अलग हो सकता है तो फिर इसके लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हम बनाते हैं मैं अपने हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकती हूं तुम अपने हिसाब से बना सकते हो और इतने सारे जो थॉट्स हैं इतने डिफरेंट आइडियाज़ हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं और ये पार्टीज एक्चुअली उसको स्ट्रीमलाइन करती हैं थॉट को और एक क्लियर व्यू देती हैं जो पब्लिक है उसको कि अच्छा अगर आप एक्स आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो ये की पॉइंट्स होते हैं उसके और यदि आप हमें वोट देंगे तो हम इन की पॉइंट्स पे बेस्ड गवर्नमेंट बनाएंगे और समाज को रिफॉर्म करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली एक ही तरह की आइडियोलॉजी या एक ग्रुप के प्रति डेडिकेटेड होती हैं एक लाइन ऑफ थॉट के प्रति डेडिकेटेड होते हैं सो इट्स ऑल अबाउट बींग पार्टिजन एंड पार्टिजनशिप न पार्टिजनशिप एंड पार्टीजन दोनों का डेफिनेशन तुम्हारे एनसीआर टी में दिया हुआ है पार्टीजन का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप के लिए डिवोशन होना किसी एक तरह की थिंकिंग के लिए डिवोशन होना एंड पार्टीजनशिप मीन्स taking one side and being unable to take a balanced view. so political parties have to have this partisanship uh, in their normal course of working. okay? so we were discussing about uh, how political parties came into existence, what perhaps motivated their existence that we were talking about. now let's see. so now let's uh, have a look. the origin of political parties, kahan sahota. सबसे पहले आता है पॉलिटिकल डिविजन्स जैसा कि मैंने बताया कि एक सोसाइटी पॉलिटिकली डिवाइडेड हो सकती है पॉलिटिकली डिवाइडेड का क्या मतलब है उसका मतलब होता है कि कैसे हम गवर्नमेंट बनाएं किस तरह की गवर्नमेंट आइडियल होगी हमारे देश के हिसाब लिए हमारे गिवन कंडीशंस में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकता है उस गवर्नमेंट को क्या आउटलुक रखना चाहिए उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसकी उसका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उसे क्या करना चाहिए होम अफेयर्स में कैसा उसे पॉलिसीज बनाने चाहिए ये सारी बातें जो हैं हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं एज इंडियंस तो इंडियंस या किसी भी कंट्री का लें इंडियंस मैंने इसलिए बो, बोला क्योंकि हम अपने देश का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो किसी भी देश में यानी इन जनरल पॉलिटिकल पार्टीज का ओरिजिन होने की एक बहुत बड़ी वजह है पॉलिटिकली डिवाइडेड होना सोसाइटी का हर किसी का अपना ओपिनियन होता है लेकिन इतने मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस तो नहीं रखे जा सकते हैं तो इसलिए ग्रुप्स बन जाते हैं सिमिलर ओपिनियंस के और जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं दूसरी क्या वजह रही होगी पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्टेंस में आने की सोशल डिविजन्स सोसाइटी बहुत तरीकों से डिवाइडेड होती है ऑन कम्युनल लाइंस दैट इज रिलिजन ऑन द लाइंस ऑफ कास्ट ऑन द लाइंस ऑफ़ इकोनॉमिक क्लास ऑन द लाइंस ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ प्रॉस्पेरस एंड स्ट्रगलिंग ओके सो लाइक दिस एक सोसाइटी कई रीजंस पे कई पैरामीटर्स पे डिवाइडेड होती है कई बार विद इन अ रिलीजन जो फैक्शंस होते हैं या विद इन द कास्ट जो फैक्शंस होते हैं फैक्शन का मतलब होता है एक सेगमेंट किसी गिवन ग्रुप का एक सेगमेंट तो फैक्शंस के बेसिस पे भी कई बार सोसाइटी बहुत डीपली डिवाइडेड होती है और इन सारे ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन करके पॉलिटिकल पोलिटिकल पार्टीज बनती हैं और क्यों बनती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमारा भी एक पॉलिटिकल पार्टी होगा तो हम भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और अगर हम जीत के आ गए तो हम अपने ग्रुप को फेवरिंग पॉलिसीज बनाएंगे एक और डिवीज़न हो सकता है सोसाइटी में दैट इज रीजनल डिवीज़न जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है रीजनल कल्चर के बेस्ड पर डिवीज़न जो होता है और उनको रिप्रेजेंट करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की मैक्सिमम स्टेट पॉलिटिक्स जो है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की है तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये अपने रीजन का या अपने स्टेट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती हैं यानी पॉलिटिकल डिविजन्स हो सकते हैं सोसाइटी में सोशल डिविजन्स हो सकते हैं और ये दोनों तरह के डिविजन्स पॉलिटिकल पार्टीज को राइज देते हैं उनका ग्रोथ करवाते हैं ओके देन नेक्स्ट इज एज अन्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स यानी अगर हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे तो हम पॉलिटिक्स में अगर एज एन इंडिविजुअल हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या ऑप्शन हैं एक ऑप्शन ये है कि हम एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़े हो जाएं और जीत जाएं इलेक्शन बट देन देन आफ्टर दैट वॉट यदि सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ही रहेंगे तो गवर्नमेंट जो बनेगी वो उसकी आंसरेबिलिटी किसी के तरफ नहीं होगी उसके जो जो भी लोग होंगे वो सिर्फ अपने एरिया के तरफ आंसरेबल होंगे किसी और के लिए आंसरेबल नहीं होंगे उनका कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं होगी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि कौन उन्हें सपोर्ट करता है और कौन नहीं करता है क्योंकि वो तो एक इंडिविजुअल है आज उन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं कल को नहीं करेंगे यानी कि एज इंडिविजुअल भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में प्रॉपरली जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज ना हो और जब तक कि एक फिक्स आइडियोलॉजी वाला ग्रुप ना हो जिसके अपने नॉर्म्स हो अपना एजेंडा हो और अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो हो एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कहां से आई ये तो हमने समझ लिया क्या होती हैं ये भी समझ लिया बट क्या इनके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है इनके अंदर के स्ट्रक्चर में बेसिकली चार लोग होते हैं मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं उन पर कोई लिमिट नहीं है इनफैक्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए ये भी कोई बहुत फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है ये पार्टी टू पैक पार्टी और कंट्री टू कंट्री वैरी करता है बट इन जनरल एक पार्टी में ये चार पोस्ट जरूर होती हैं द फर्स्ट इज द पार्टी लीडर ये जनरली पार्टी का सबसे पॉपुलर सबसे पावरफुल चेहरा होता है फेस ऑफ द पार्टी होता है और इसको लोग सबसे ज्यादा मानते हैं और यदि वो पार्टी इलेक्शन जीतती है तो ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इलेक्शन बीइंग कंटेस्टेड ओके देन नेक्स्ट इज पार्टी सेक्रेटरी पार्टी सेक्रेटरी कौन होता है जो डे टू डे की मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखता है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है और डे टू डे की वर्किंग का भी रिकॉर्ड रखता है पार्टी की मीटिंग्स कहाँ होंगी कैसी होंगी पार्टी के मीटिंग्स में क्या नई पॉलिसीज निकाली गई क्या उनका पर्पस है ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है पार्टी सेक्रेटरी देन पार्टी ट्रेजरर पार्टी ट्रेजरर कौन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंबरशिप ड्यूज कलेक्ट करने के लिए जनरली सभी पार्टीज में सम मेंबरशिप फीस होती है एनुअल फीस होती है या जो भी उनका सिस्टम हो कलेक्ट करने का तो जो ट्रेजरर होता है ये मेंबरशिप ड्यूज कलेक्ट करता है एंड लास्टली द पार्टी चेयरपर्सन ही इज रिस्पॉन्सिबल ही और शी राधा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द मेंबर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ दोज मेंबर्स फॉर रिटेनिंग द मेंबरशिप यानी अगर कोई पार्टी में आ गया है और यदि वो पार्टी में ट्रेनिंग ले लिया है उसका एक अच्छा मेंबर बन चुका है तो अब वो पार्टी में कंटिन्यू करे और पार्टी के ग्रोथ के लिए काम करे ठीक है तो ये सारी चीज़ें एंड अबव ऑल to chair the meetings this person acts as the chairperson. that means he is the president the presiding officer of party meetings to ye char members to ye char posts rather zarur hoti hain har ek party mein iske alawa party ke apne organizational structure स्ट्रक्चर हो सकता है उनकी क्लोज वर्किंग कमिटी हो सकती है कोई इंटरनल काउंसिल हो सकता है कोई ब्रॉडर काउंसिल uh, हो सकता है मेम्बर्स कितने लेयर्स के होंगे कौन सबसे क्लोज सबसे खास लोग होंगे फिर सेकंड सर्कल के कौन होंगे थर्ड सर्कल के कौन होंगे लाइक like दिस हर एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से वैरी कर सकता है बट जनरली ये चार पोस्ट जैसे मैंने बताया हर एक पार्टी में रहती ही हैं अब सवाल आता है कि पार्टी का फंक्शन क्या है ये तो सारी बातें हो गई अब नेक्स्ट इज वॉट डू वट डज़ अ पार्टी डू बट बिफ़ोर दैट एक चीज़ और हमें समझनी है कि मैंने अभी बताया कि लोग होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं लॉ मेकर्स होते हैं ये कैसे पूरा चेन कनेक्टेड होता है इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है लोग वोट करते हैं कैंडिडेट्स को ये कैंडिडेट्स कौन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें फील्ड करती हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा करती हैं तो ये वो लोग होते हैं ये कहाँ से आते हैं ये मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये बड़ा पॉपुलर चेहरा है और ये यहाँ जरूर जीत जाएगा तो वहाँ से वो उस कैंडिडेट को फील्ड करते हैं लोग इन कैंडिडेट्स को वोट करते हैं किसमें इलेक्शंस में एंड इलेक्शन जब जीतते हैं जो कैंडिडेट्स वो होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कहाँ पे वो एमपी या एमएलए बनकर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं इन द लॉ मेकिंग बॉडीज ऑफ दिस कंट्री बी इट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा तो इस तरह से कॉमन व्यक्ति कनेक्टेड है हमारे हाइएस्ट फॉर्म ऑफ हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग जो कि है हमारे लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्टिव असम्बलीज इनसे कनेक्टेड है कॉमन व्यक्ति थ्रू देअर रिप्रजेंटेटिवस और ये रिप्रेजेंटेटिवस कहाँ से बनते हैं ये भी उन्हीं आम लोगों के बीच के लोग होते हैं जिन्हें जिन्होंने कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की होती है और जो उन पार्टीज के द्वारा खड़े किए जाते हैं इलेक्शंस में और जब वो जीतते हैं तो वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं एमपी या एमएलए बनकर तो कहने का मतलब ये है कि इसी को कहा जाता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज एक बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं डेमोक्रेसी का क्योंकि वो लोगों को लॉ मेकिंग बॉडी तक पहुंचाते हैं ठीक तो ये तो हो गया फ्लोचार्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस कई सारे हैं कई मेजर फंक्शन है बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू पार्टीज आर अबाउट पार्टीजनशिप दैट इज देअर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग They cannot take a very balanced view. They generally stick or adhere to their own ideology, own line of thinking. And that is uh, quite obvious for all the political parties across the countries. Now, first and most important thing that political parties do. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेट पोलिटिकल पार्टीज डू इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस इलेक्शंस में कौन खड़ा होता है जैसा कि मैंने अभी समझाया कि ये कैंडिडेट्स होते हैं पोलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जो इलेक्शन जीतते हैं और पीपल्स रिप्रजेंटेटिव बनते हैं जो लेजिस्टिव बॉडीज हैं या जो लेजिस्चर है कंट्री का वहाँ पर ये कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट होते हैं ये भी कंट्री टू कंट्री वैरी करता है जैसे यूएसए में कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए ये पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स डिसाइड करते हैं उनका अपना एक प्रोसीजर है ये डिसाइड करने का इंडिया में ये चीज़ पार्टी का टॉप लीडरशिप डिसाइड करता है कहीं पर भी किसी भी पार्टी में कि किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा मेंबर या कौन सा कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे इलेक्शन में तो इलेक्शन में ये खड़े होते हैं सो so दैट ये इलेक्शन जीते और अपने पॉलिसीज को अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें द नेक्स्ट इज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एक देश में बहुत सारे आइडियोलॉजीज होते हैं बहुत सारे थॉट्स होते हैं हर किसी व्यक्ति का अपना प्लान होता है हर किसी व्यक्ति की अपनी सोच होती है पॉलिटिकल पार्टीज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मल्टीट्यूड ऑफ थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं कुछ की पॉइंट्स में तो एज अ वोटर हमें भी दिखता है कि अगर हम एक्स पार्टी को वोट करते हैं और अगर वो लोग जीतते हैं तो ये टेन पॉइंट्स इंप्लीमेंट होंगे यदि हम वाई पार्टी को इलेक्ट करते हैं जिताते हैं और यदि उसके मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं तो ये सेवन पॉइंट्स इंप्लीमेंट होंगे इस तरह से मल्टीपल आइडियाज एंड वेग थॉट्स को क्रिस्टलाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं और जब वो इलेक्शन जीतते हैं वो पावर में आते हैं पावर में आने का मतलब है गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो उसे इंप्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बींग द रूलिंग पार्टी ऑफ द कंट्री नाउ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ कोर्स कौन लॉ बनाता है यही लोग जैसा कि फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देखा कि यही वो पॉलिटिकल uh, पार्टीज के मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं वहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ एम बनते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और लॉ मेकिंग करते हैं जो लॉज बनाते हैं ये ये अपना जो इन्होंने प्रॉमिस किया होता है लोगों से अकॉर्डिंगली बनाते हैं तो लॉ कौन बनाता है लॉ बनाते हैं जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं ये इलेक्शन जीत के आने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं तो ये जो मेंबर्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इर रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल चॉइसेस, दे गो बाय द पार्टी डायरेक्टिव्स और पार्टी के ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ये लॉज बनाते हैं ठीक है देन फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट चलाता है जो एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच आर सक्सेसफुल और विच इज सक्सेसफुल इन एन इलेक्शन और बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन देयर मैनिफेस्टो एंड बेस्ड ऑन देयर एजेंडा दे रन गवर्नमेंट फॉर द कंट्री ओके सिट एज अपोजिशन अपोजिशन रादर यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं इलेक्शन में कोई एक या तो ह्यूज जॉरिटी से जीतेगी पार्टी या कुछ पार्टीज होंगी जो मिल के गवर्नमेंट बनाएंगी जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं तो ये जो मिल के गवर्नमेंट बनाएंगी या तो वो सक्सेसफुल कहलाएंगी या फिर अगर कोई क्लियर मेजोरिटी से जीत गया तो वो सक्सेसफुल कहलाएगा लेकिन जो पार्टीज इलेक्शन नहीं जीत पाती हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं वो क्या करते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं और वो जो रूलिंग पार्टी है उनको उसको क्रिटिसाइज करते हैं रिव्यू करते हैं उसके डिसीजंस को क्वेश्चन पूछते हैं और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट एक ऑपोजिशन का माहौल भी बनाते हैं देश में एक ऑपोजिशन वाला पब्लिक ओपिनियन भी फ्रेम करते हैं सो दैट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नॉट ओनली एज द रूलिंग पार्टी ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो एज द ऑपोजिशन पार्टी और पार्टीज ऑफ द कंट्री पार्टीज के जो मेम्बर्स होते हैं ये लोगों के बीच में होते हैं बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स में भी इनके मेम्बर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रेसराइज करते हैं और मूवमेंट्स चलाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि इनके हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया जाए या कोई पर्टिकुलर लॉ को अमेंड किया जाए या नया लॉ बनाया जाए सो दैट इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो देन कम्स दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये लोगों को एक्सेस दिलाती हैं गवर्नमेंट मशीनरी का भी और वेलफेयर स्कीम्स का कि कैसे वो वेलफेयर स्कीम्स यूटिलाइज कर सकें कैसे आ, उन उन तक जो पहुंच जाए गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट दे रही है वो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं या लोकल लोगों के बीच से निकले हुए लोग होते हैं और इन तक पहुंचना किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेस वहाँ पे जाके बात करने से आसान उन्हें लगता है कि अगर वो अपने लोकल लीडर से बात करें जिसे वो पर्सनली भी शायद जानते हों भले ही वो उस पर फुल ट्रस्ट करें या ना करें बट अप्रोचेबल एक्सेसिबल वो ज्यादा होता है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि वो लोकल लोगों की बात समझें उनसे बातें करें और उनके ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए काम करें क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो उन्हें या तो इलेक्शन में सक्सेस नहीं मिलेगा या अगर मिल चुका है तो वो नेक्स्ट टाइम हट भी सकता है छीना भी जा सकता है बाय द इलेक्टोरेट द वोटर्स तो इसलिए वोटर्स के इच्छा के हिसाब से काम करना और उन्हें मना के रखना उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना ये बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये जो सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं एक बार तुम्हारे एनसीआर में भी देख लेते हैं ये कैसे दिया हुआ है सो हेयर आर द एक बार तुम्हारे एन में भी देख लेते हैं कि ये कैसे दिया हुआ है सी कंटेस्ट इलेक्शंस ये पेज नंबर सेवेंटी थ्री है तुम्हारे एन का और इसमें बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को और जैसा यूएसए के मेंबर्स जो हैं और सपोर्टर्स वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट इंडिया में टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं वो चूज़ करते हैं देन सेकेंड इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतने वैरायटी ऑफ व्यूज को हैंडल करें और ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस है डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाई द गवर्नमेंट दिस इज बाय द पॉलिटीज डू पार्टी रेड्यूसेज अ मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इन टू फ्यू ऑप्शन ओके लेट सी द थर्ड रोल प्लेड बाई द पोलिटिकल पार्टीज पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज और लॉज जो हैं वो डिबेट होते हैं पास होते हैं लेजिसलेचर में लेकिन एक्चुअली कौन करता है ये मेम्बर्स ही होते हैं पोलिटिकल पार्टीज के दे गो बाई द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इर रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपीनियंस देन पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स Uh, ये भी सारी हमने बातें की हैं कि पार्टीज रिक्रूट लीडर्स ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट यानी पार्टीज जो हैं वो रिक्रूट करते हैं लोगों को लीडर्स को फिर उन्हें ट्रेन करते हैं अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से एंड फाइनली वो मिनिस्टर्स बनते हैं और पार्टी के थॉट लाइन ऑफ थाट आइडियोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट बनाते हैं दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन ऑपोजिशन पार्टीज वैसे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं फेलियर के लिए या wrong पॉलिसीज के लिए लेकिन ये मोबिलाइज करती हैं लोगों को भी अगेंस्ट दी गवर्नमेंट एंड लास्टली have a लुक एट दिस पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन दे रेज एंड हाईलाइट issues वो इश्यूज हाईलाइट करते हैं पार्टीज समसो लॉन्च मूवमेंट्स एंड रेजोल्यूशन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाई दीपल और ये पब्लिक ओपिनियन भी फ्रेम करते हैं पार्टीज जो होती हैं मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड फाइनली पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स का एक्सेस दिलाती हैं लोगों को और फॉर एन ऑर्डनरी सिटीजन इट इज ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर तो सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू द एंड ऑफ दुडेज क्लास एंड क्या नेसेसिटी है इस बारे में हम बात करेंगे नेसेसिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा उनके रोल्स के बारे में कैसे ओरिजिन किए कैसे ओरिजिनेट किए रदर कहाँ से आए बट देन स्टिल इतना नेसेसरी क्यों है और अगर ना हो तो क्या होगा इस बारे में यानी नेसेसिटी के बारे में हम बात करेंगे वेन वी मीट इन लेक्चर नंबर टू टिल देन टेक केयर बाय